इस प्रॉब्लम में ना दो क्लैरिफिकेशन है तो थोड़ा लैंग्वेज से एक्जैक्टली exactly समझ नहीं आता है क्या हो, हो रहा है तो सोल्यूशन देख के मैंने क्लैरिफिकेशन लिखे हैं सो आंसर मैच कराना है तो फिर ये चीज़ें ध्यान में रखनी है ठीक है सो वी हैव टू पार्टिकल्स वीच आर मूविंग इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स एक का टाइम ऑफ रोटेशन इतना है दूसरे का इतना है फाइंड द मिनिमम टाइम वेन द पार्टिकल्स विल अगेन फॉलो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर तो शुरू में दोनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं सो लेट्स से ऐसे हैं तो पूछा है कि वापस वो इस तरीके से कब हो जाएंगे ठीक है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर में तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है तो इसकी बात नहीं हो रही है ठीक है तो जैसे अभी इकट्ठे हैं तो वापस इकट्ठे कब हो जाएंगे वो पूछा है सेकेंड वे टू एज्यूम बोथ आर रोटेटिंग इन द सेम सेंस तो दोनों जैसे इस केस में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सो लेट्स फाइंड द मिनिमम टाइम तो एक का टाइम दिया है दूसरे का दोनों का टाइम दिया है पूछना है कि एक बार जब इकट्ठे थे तो वापस कब मिलेंगे तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चले शुरू में ये इकट्ठे थे और फिर ओमेगा ए ओमेगा बी से चल दिए लेकिन विद रेस्पेक्ट टू किसी एक से करोगे तो ये रेस्ट पे आ गया ठीक है तो ये रेस्ट पे आ गया तो इसके रिलेटिव ये एक पूरा सर्कल काट के वापस जब इसके सामने आ जाएगा उसका टाइम पूछ रहा है सो इसका खुद का ओमेगा है ओमेगा ए है तो एक रेस्पेक्ट में बी का हो गया ओमेगा बी माइनस ओमेगा ठीक है सो बी विद रेस्पेक्ट टू एस ओमेगा बी माइनस ओमेगा सो दैट्स इट सो थीटा रिलेटिव जो ये टर्न मार रहा है जितना भी टर्न मार रहा है दैट इज ओमेगा रिलेटिव इन टू टाइम तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी ये हम उसमें भी करते हैं जैसे x रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव इन टू टाइम सही है ना तो यहाँ से टाइम आ जाता है थीटा रिलेटिव बाय ओमेगा रिलेटिव तो यही टाइम हमें निकालना है लेकिन हमें मिनिमम टाइम निकालना है टाइम इज थीटा रिलेटिव बाय ओमेगा रिलेटिव तो ओमेगा रिलेटिव तो कांस्टेंट है थीटा रिलेटिव इसका हमको मिनिमम करना है तब टाइम मिनिमम आएगा तो मिनिमम थीटा रिलेटिव क्या हुआ कि वो एक ही चक्कर काटा नहीं तो ये दूसरा चक्कर जब काटेगा तो फिर से वो इकट्ठे हो जाते हैं है ना सो द मिनिमम थीटा विच वी नीड इज टू पाई जिससे हमें मिनिमम टाइम आ जाएगा एंड ओमेगा रिलेटिव इज ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू तो ओमेगा होता है टू पाई बाई टाइम पीरियड सो टू पाई बाई 11 माइनस टू पाई बाई एट उल्टा भी कर लो फर्क नहीं पड़ता मॉड तो लगा ही रहे हम ठीक है भाई अगर ये फास्ट चल रहा है बी अगर ए से फास्ट चल रहा है तो ये ऐसे घूमेगा गुम, बी अगर स्लो चल रहा था औरिजिनली ए से तो ये उल्टा घूमेगा ठीक है एंगल कवर तो दोनों ही केस में हमको जो चाहिए वो टू पाई ही है सो विस ऑल दिस एंड गेट आवर आंसर ठीक है